स्वागत है दोस्तों कैसे आप? वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तो आप देख रहे हैं दोस्तों बी आजाद ब्लॉग्स तो दोस्तों हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यानी राजदूत का साउंड टेस्ट करेंगे और उसका स्पीड टेस्ट करेंगे तो वही सब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अब दिखाते हैं आपको हम कैसा टेस्ट होता है राजदूत यानी कि पुरानी मॉडल है सन दो की बाइक है तो यही सब टेस्ट कराएंगे लेकिन इसका पहले देख लीजिए और सब्सक्राइब और लाइक घंटी के साथ दबा देना आपको तो जैसा कि देखिए दोस्तों तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों पुरानी मॉडल है राजदूत और आप देख ही सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा ये है राजदूत का लोगो और ये पुरानी मॉडल है यही है दोस्तों पुरानी मॉडल तो चलिए लेट्स गो अब दिखाता हूँ दोस्तों साउंड टेस्ट और इसका स्पीड इस टेस्ट कैसा है कैसा नहीं सिस्टम इसका है राजदूत चलाने का बात ही कुछ अलग होता है जब राजदूत चलाते हैं दोस्तों ये बहुत कम मिलता है ये गांव में ही अक्सर मिलता है या तो किसके पास अगर होगा पुरानी रखा होगा दोस्तों तो उसके पास होगा बाकी किसी के पास जल्दी होता नहीं तो मेरे पास था ऑलरेडी तो मेरे पास तीन बाइक है तो तीनों बाइक एक्सपीरियंट कराएंगे हम और पूरा दिखाएंगे आपको हम तो ये रहा दोस्तों राजदूत जो कि चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है और भौकाल टाइट रहता है जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा तालाब का साफ सफाई हो गया और आप देख सकते हैं कि अगर इसको बनवा दिया जाए तो कितना ज़बरदस्त लगता है है ना बात तो पीछे पानी भी और देख कर बाकी बहुत अच्छा लग रहा है एकदम हम बाकी देख सकते हैं वहाँ पर सूरज कितना दूर तक हो गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा नज़ारा ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है एकदम देख आपको ये देख सकते हैं भाई साहब इतना सुंदरीकरण बढ़िया तरीके से हुआ है तालाब के सुंदरीकरण बहुत बेहतर तरीके से हुआ है और पीछे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर धान का ये सब दोस्तों जो है धान का सीज़न है तो धान हरा है अब पकने वाला है और ये बैठने वाला जगह है और यहाँ पर दोस्तों छोटा सा तालाब है अपने गांव का बाकी देखकर बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको और हमको भी प्यारा लग रहा है अगर आपके गांव में दोस्तों अगर ऐसे साफ सफाई हुई होगी तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और तो देख सकते हैं आपकी शाम का टाइम है और देखिए कितना स्वच्छ तरीके से जो है सफाई की गई है आप देख सकते हैं और ये पूरा शानदार लग रहा होगा देखकर आपको उधर से देखिए बाइक वाला आ रहा है बेचारा और यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब कितना स्वच्छ तरीके से पूरा एकदम इसको सफाई की गई है और ये रही सीढ़ी और ये रहा छोटा सा पुलिया बैठने के लिए जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये लिखा हुआ है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा शाम के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है ये मौसम और इसकी साफ सफाई बहुत ही बेहतर लग रहा है एकदम सफाई और स्वच्छ स्वच्छता की हो रही है यानी कि साफ़ सफाई तालाब की सफाई बहुत ही ज़बरदस्त एकदम तगड़ा लग रहा है व्यू एकदम खतरनाक तरीके से जैसा कि देख पा रहे हैं इस वीडियो में तो कैसा लग रहा है हमारे गांव का तालाब और गांव का ये सफाई और वातावरण तो आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो है धान का सीजन है तो धान ही धानी, धानी कटाई होगी बाकी आप देख सकते हैं कि तालाब है तालाब का भी सफ़ाई हो गया एकदम बेहतर तरीके से और ये है बैठने वाला जो कि हम बैठ सकते हैं सुबह सुबह शाम के टाइम आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं है एकदम तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये रहर है रहर है इसका मैंने दोस्तों वीडियो शायद नहीं दिखाया होगा आपको मैं लेकिन एक एक कोई ना कोई दोस्तों ये इसका वीडियो जरूर होगा आपको मिला होगा और ये रहर हमारी हाइब्रिड का रहर है जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों तो हमने सोचा कि चलो आपको रहर का भी वीडियो दिखाते हैं क्योंकि साथ ही साथ मेरा राजदूत का मैंने दोस्तों ब्लॉग दिखाया आपको मैं तो हमारा राजदूत वाला ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करिएगा और देख सकते हैं कि पूरा रहर जो है बड़ी बड़ी हो चुके है हाइब्रिड का रहर में ऐसी फायदा होता है कि इसका जो दाना होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है जैसे राजदूत का हार्ड इंजन है ना वैसे इसका भी दाना है बहुत ही हार्ड होता है और ये देख सकते हैं कहीं कहीं छूट गया है तो नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ज़्यादा हुआ है भाई साहब ये देख सकते हैं आप और वहाँ तक पूरा फैला हुआ है तो ये हमारा जो हाथा है जिसका ग्राउंड है इसके अंदर हम लोग ने रहर को खाने के लिए हमने अलग से हमने बोया है ताकि ये खाने के लिए अच्छा रहेगा और रहर खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आप भी रहर की दाल खाया करो और हो सके खेती हो तो आप रहर की दाल बोया करो आप रहहर बोएंगे तो फ़ायदा रहेगा आपको और ये रहा भाई साहब थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं अपना गिट्टी बालू कैसा है कैसा नहीं है क्योंकि इसको देखना ज़रूरी होता है और ये रहा भाई साहब अपना बालू और इधर रहा गिट्टी ये देख सकते हैं और यहाँ तक पूरा फैला हुआ है और उसके बाद ये देख सकते हैं पूरा बेहतर तरीके से नहीं है क्योंकि इसमें क्या इसको बोलते हैं कोई बात नहीं कचड़ हो गया है कोई बात नहीं है सही हो जाएगा बाद में जब होगा तो चलिए ओके okay.